हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे तमिल भाषा में बने एक और सुपरहिट फिल्म को। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे तमिल भाषा में बनी फिल्म, जिस फिल्म का नाम है दोस्तों प्राथमिकी, जिसे इंग्लिश में FIR के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे हम आज आपको बतला दें कि मात्रा मूवी रिव्यू और मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ मूवी की सुपरस्टार और मूवी की डायरेक्टर को भी जानकारी दोस्तों हमारे इस वीडियो में बतलाया जाता है। दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म जो कि दोस्तों बात की जाए, यह एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है। फिल्म को FIR, जिसे हिंदी में प्राथमिकी के नाम से भी है, और यह फिल्म की तमिल भाषा के साथ बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर मनु आनंद द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म है और यह एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे दोस्तों मनु आनंद ने अपने निर्देशक में लिखा और निर्देशित किया था और BVS स्टूडियोज के बैनर तले विष्णु विशाल सुभ्रा और आर्या रमेश द्वारा निर्मित है। फिल्म में विष्णु विशाल, गौतम वासुदेव मेनन और मंजिमा मोहन, रेबा मोनिका जान और राजा बिलनसन और गौरव नारायण हैं। यह फिल्म के संगीत आवश्यक द्वारा रचित है और प्रसन्ना जी के द्वारा संपादन किया गया है। यह फिल्म 11 फरवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और जहां इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। और दोस्तों बता दें, यह एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विष्णु विशाल और गौतम वासु मेनन, रेबो मोनिका जान और मंजिमा मोहन, राजा विल्सन जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। फिल्म की कहानी मन्नू आनंद द्वारा रचित है, जबकि दोस्तों फिल्म की लिखित मन्नू आनंद और दिव्यांका आनंद शंकर, गौतम शंकर और कौनतम द्वारा रचित है। फिल्म की संपादित यानी प्रसन्ना जी के द्वारा संपादित किया गया था और संगीत दिया है अवस्थ द्वारा संगीत वृद्ध किया गया था। यह फिल्म को BVS स्टूडियोज द्वारा उत्पादित किया गया था और रेड जाइंट मूवीज द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म की रिलीज की तारीख 11 फरवरी 2022 को रिलीज हुई थी, जबकि दोस्तों इस फिल्म को रिलीज भारत में रिलीज किया गया था और यह फिल्म का रन टाइम 1 से 55 मिनट के साथ इस फिल्म को तमिल भाषा के साथ बनाई गई थी। और दोस्तों यह फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तमिल भाषा के साथ बनी थी। दोस्तों बात कर ले फिल्म FIR जो कि इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो इस फिल्म को अनुमति यानी बॉक्स ऑफिस 24 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों फिल्म में विष्णु विशाल, इरफान अहमद, फैजल इब्राहिम राय और FIR एक केमिकल इंजीनियर का रोल निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों गौतम वासु मेनन अजय दीवान के रूप में हैं और प्रार्थना रमन के रूप में मंजिमा मोहन हैं, जबकि वैसे ही अनिशा कुरैशी के रूप में राजा बिल्सन अपना रोल निभा रही है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2019 में शुरू हुई थी और इसी की शूटिंग दिसंबर 2019 में शुरू हुई और शूटिंग फरवरी 2021 तक हो गई थी। फिर दोस्तों प्रोडक्शन में चली गई और इसे मलेशिया, कतर और कुवैत में प्रतिबंध कर दिया गया था। फिल्म के गाने आवश्यक द्वारा रचित है और फिल्म का संगीत लेबल BVS स्टूडियोज और डिब्बो म्यूजिक द्वारा अधिग्रहित किया गया था।
फिल्म की बात की जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सगुत्थाम ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि शुक्र है कि तेजी से संपादन और जीके प्रश्न और संपादित पृष्ठभूमि स्कोर और आवश्यक द्वारा यह सुनिश्चित करता है। फिल्म एक खतरनाक गति से आगे बढ़ती है और हमें रोकने में कामयाब होती है। तर्क के बारे में सोचने से और फिल्म को हमें बांधे रखने में मदद करने से इंडिया लिटर्स ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार यानी रेटिंग दी और कहा कि कुछ दिलचस्प और मोड़ों के साथ इस एक्शन से भरपूर थ्रिलर को चुने और द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि एक FIR में कमल हसन की विश्वास रूपम की परिपक्वता का अभाव है। इस्लामोफीबिया को ठीक से संपादित करने में बारीकियों की कमी और विभिन्न समुदायों में व्यक्त और गलतफहमी की तीव्र दुर्वीकरण को पीछे की रणनीति को कहानी की सुविधा के लिए फिल्म से बाहर रखा गया है। बिहाइंड सुबोर्ड ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि विष्णु विशाल का अभिनय ठोस लेखन FIR को एक मनोरंजक और आकर्षक घड़ी बनाता है। द हिंदू के श्रीनिवास ने रामानुजम ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद लिखा कि थ्रिलर होने के बावजूद FIR कुछ शक्तिशाली क्षणों को पेश करने में कामयाब रही है, लेकिन दोस्तों कुछ अनावश्यक और शीर्षक तत्वों से बचने के लिए अच्छा किया और सतर्क था जो कि इसके मूल को कमजोर करते प्रतीत होते हैं। तो पहले स्थान पर परिसर और सिनेमा एक्सप्रेस के नवीन दर्शन 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि नवोदित अभिनेता मन्नू आनंद ने इस तरह कोई दिलचस्प तत्व के साथ मानक को इतना ऊंचा स्थापित कर दिया था। जब असुविधाएं जबरन कॉमेडी और खामियों के रूप में आती है तो दोस्तों यह गलत लगभग आपराधिक लगता है। मुझे किसी फिल्म की विश्लेषण करने से नफरत होगी और मध्यम तौर से पहले और बाद के हिस्से में, लेकिन FIR में अंतर इतना परेशान करने वाला है कि आप पहले हिस्से के अत्यधिक चुनौतीपूर्ण लेखन को बाद में देखने से सुकून से खुद को रोक नहीं सकते। हिंदुस्तान टाइम के हरिचरण पुद्दी पेटी ने लिखा कि फिल्म FIR को एक थ्रिलर के लिए कुछ एस्मास्ट अच्छी तरह से लिखे गए और ट्विस्ट है। जैसे जैसे ट्विस्ट अंत में खुद को सुलझाते हैं फिल्म अधिकांश संपूर्ण लगती है। पिंकी बिल्ला की अवभावना शर्मा ने 5 में से 2.5 स्टार अंक दिए और लिखा कि कुल मिलाकर यह फिल्म इस सप्ताहांत में देखने लायक है। आपको दोस्तों तर्क और खोजना और पूछना बंद कर देना चाहिए और फिर खुद को कहानी में व्यक्त कर लेना चाहिए। फर्स्ट पोस्ट की आशा मेरा अध्यापन फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिया और कहा कि FIR का दिल सही जगह पर है और इसमें से सवाल पूछे गए हैं और अविश्वसनीय रूप से प्रसंगिक है कि इरफान तभी जवाब कार्यवाही करना शुरू करता है जब उसे कोने में धकेल दिया
जाता है। और जब दोस्तों वह कहता है कि उसने भरोसा करना बंद कर दिया और सिस्टम और इसकी न्यायपालिका और भावनाएं घर कर जाती है, आखिरकार हम डायस्पोरियन और समय में रहते हैं जहां अल्पसंख्यक को लगातार न्याय के दरवाजे से दूर धकेल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अच्छे इरादे हमेशा अच्छे सिनेमा के लिए नहीं बनते हैं। फिल्म FIR की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने सबसे बड़ी ओपनिंग की और तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। फिल्म ने 24 करोड़ यानी 2023 में 25 करोड़ US 3.2 मिलियन के बराबर से अधिक की कमाई की। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म की बात की जाए तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विष्णु विशाल जो कि अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। फिल्म की कहानी की ओर नज़र डालें तो दोस्तों चेन्नई के ट्रेलिकेन में रहने वाला IIT मद्रास के स्वर्ण पदक और विजेता इरफान अहमद अपने दोस्त और माँ प्रवीणा बेगम जो पुलिस उप निरीक्षक है और साथ रहते हैं, वो अर्चना कृष्णा मूर्ति के साथ रिश्ते में हैं और जो PhD कर रही हैं दिल्ली में, और एक जूनियर वकील प्रार्थना रमन से भी उसकी दोस्ती हो जाती है, और एक परफ्यूम फैक्ट्री में अंशकालीन काम करते हुए इरफान असफल रूप से नौकरी के लिए साक्षात्कार में भाग लेते हैं, और साक्षात्कारों के दौरान उनकी धार्मिक और मान्यताओं पर सवाल उठाए जाने से तंग आकर इरफान ने एक महत्वपूर्ण कालिक इत्र और व्यवसाय में शामिल होने का फैसला किया है, जिसका नेतृत्व और पेरुमल और उनके बेटे कार्तिकेय कर रहे हैं, और वह रसायनों की खरीदारी के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, और हैदराबाद में वापस आते समय इरफान का सेलफोन खो गया है। इसी बात से निराश होकर उसकी चेन्नई की उड़ान छूट जाती है, और इरफान ने गलती से हवाई अड्डे के अधिकारियों की धमकी दी और वह हैदराबाद बमबारी करेगा, और जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी हुई, और लेकिन वह रिहा हो गया और चेन्नई पहुंच गया। बाद में दोस्तों उसी हवाई अड्डे पर एक बम विस्फोट हुआ और जिसमें कई लोग मारे गए, और अगले दिन इरफान का फोन बम विस्फोट स्थल पर पाया गया और इरफान को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, और उन्होंने NIA सलाहकार अजय दीवान के आदेश के तहत हिरासत में लिया गया था। उनसे NIM अधिकार और अनिशा कुरैशी और निम्न कुरैशी पुलिस अधिकारी गुन्ना शेखर द्वारा पूछताछ की गई है। माना जाता है कि इरफान मोस्ट वांटेड आतंकवादी जिसका नाम अब्बू और बकरा अब्दुल्ला है, और परिमाण स्वरूप उसे आतंकवादी करार दिया जाता है, और मीडिया द्वारा उसे दृष्ट अवतार के रूप में चित्रित किया जाता है, और पुलिस रिहासत में यातना से गुजरना पड़ता है। इरफान के लिए खेद और महसूस करते हुए प्रार्थना ने उसे प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया है, और प्रवीणा बेगम को उससे मिलने के लिए लिया गया है। और हालांकि दोस्तों
उन्होंने इरफान से मिलने से मना कर दिया है। दमा के मरीज होने के कारण प्रवीणा बेगम सार्वजनिक आयोजन के कारण हुए और अपमान के कारण एक हमले में बेहोश हो जाती है और पुलिस की कड़ी निगरानी में इरफान को अस्पताल में अपनी माँ से मिलने की अनुमति दी गई है। हालांकि दोस्तों यह पुलिस से हिरासत से भाग जाता है और पता की है कि प्रवीणा बेगम की मृत्यु हो गई है और जिससे इरफान तबाह हो गया और अस्पताल से भाग गया, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर जाजी के बेटे रियाज से होती है। तो इरफान से सारे कैश बनाने के लिए हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे तमिल भाषा में बने एक और सुपरहिट फिल्म को। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे तमिल भाषा में बनी फिल्म, जिस फिल्म का नाम है दोस्तों प्राथमिकी, जिसे इंग्लिश में FIR के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे हम आज आपको बतला दें कि मात्र मूवी रिव्यू और मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ मूवी की सुपरस्टार और मूवी की डायरेक्टर को भी जानकारी दोस्तों हमारे इस वीडियो में बताया जाता है। दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म जो कि दोस्तों बात की जाए, यह एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है। फिल्म को FIR जिसे हिंदी में प्राथमिकी के नाम से भी है और यह फिल्म की तमिल भाषा के साथ बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर मनु आनंद द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म है और यह एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे दोस्तों मनु आनंद ने अपने निर्देशक में लिखा और निर्देशित किया था और BBS स्टूडियोज के बैनर तले विष्णु विशाल सुभ्रा और आर्या रमेश द्वारा निर्मित है। फिल्म में विष्णु विशाल, गौतम वासुदेव मेनन और मंजिमा मोहन, रेबा मोनिका जान और राजा बिरलसन और गौरव नारायण हैं। यह फिल्म के संगीत आवश्यक द्वारा रचित है और प्रसन्ना जी के द्वारा संपादन किया गया है। यह फिल्म 11 फरवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और जहां इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। और दोस्तों बता दें, यह एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विष्णु विशाल और गौतम वासु मेनन, रेबो मोनिका जान और मंजिमा मोहन, राजा विल्सन जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को नज़र आएंगे। फिल्म की कहानी मन्नू आनंद द्वारा रचित है, जबकि दोस्तों फिल्म की लिखित मन्नू आनंद और दिव्यांका आनंद शंकर, गौतम शंकर और कौनतम द्वारा रचित है। फिल्म की संपादित यानी प्रसन्ना जी के द्वारा संपादित किया गया था और संगीत दिया है अवस्थ द्वारा संगीत वृद्ध किया गया था। यह फिल्म को बीबी स्टूडियोज द्वारा उत्पादित किया गया था और रेड जाइंट मूवीज द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म की रिलीज की तारीख 11 फरवरी 2022 को रिलीज हुई थी, जबकि दोस्तों इस फिल्म को रिलीज भारत में रिलीज किया गया था और यह फिल्म का रन टाइम 1 से 55 मिनट के साथ इस फिल्म को तमिल भाषा के साथ बनाई गई थी। और दोस्तों यह फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तमिल भाषा के साथ बनी थी। दोस्तों बात कर ले फिल्म FIR जो कि इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो इस फिल्म को अनुमति यानी बॉक्स ऑफिस 24 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों फिल्म में विष्णु विशाल, इरफान अहमद, फैजल इब्राहिम राय और FIR एक केमिकल इंजीनियर का रोल निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों गौतम वासु मेनन,
अजय दीवान के रूप में हैं और प्रार्थना रमन के रूप में मंजिमा मोहन हैं, जबकि वैसे ही अनिशा कुरैशी के रूप में राजा विल्सन अपना रोल निभा रही है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2019 में शुरू हुई थी और इसी की शूटिंग दिसंबर 2019 में शुरू हुई और शूटिंग फरवरी 2021 तक हो गई थी। फिर दोस्तों प्रोडक्शन में चली गई और इसे मलेशिया, कतर और कुवैत में प्रतिबंध कर दिया गया था। फिल्म के गाने अशोक द्वारा रचित है और फिल्म का संगीत लेवल बीवी स्टूडियोज और डिपो म्यूजिक द्वारा अधिग्रहित किया गया था। फिल्म की बात की जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एम संगुत्था ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि शुक्र है कि तेजी से संपादन और जीके प्रसन्न और संपादित पृष्ठभूमि स्कोर और आवश्यक द्वारा यह सुनिश्चित करता है। फिल्म एक खतरनाक गति से आगे बढ़ती है और हमें रोकने में कामयाब होती है। तर्क के बारे में सोचने से और फिल्म को हमें बांधे रखने में मदद करने से इंडिया लिटर्स ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार यानी रेटिंग दी और कहा कि कुछ दिलचस्प और मोड़ों के साथ इस एक्शन से भरपूर थ्रिलर को चुने और द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि एक FIR में कमल हसन की विश्वास रूपम की परिपक्वता का अभाव है। इस्लामोफीबिया को ठीक से संपादित करने में बारीकियों की कमी और विभिन्न समुदायों में व्यक्त और गलत फहमी की तीव्र दुर्विकारण को पीछे की रणनीति को कहानी की सुविधा के लिए फिल्म से बाहर रखा गया है। बिहाइंड बोर्ड ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि विष्णु विशाल का अभिनय ठोस लेखन FIR को एक मनोरंजक और आकर्षक घड़ी बनाता है। द हिंदू के श्रीनिवास ने रामानुजम ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद लिखा कि थ्रिलर होने के बावजूद FIR कुछ शक्तिशाली क्षणों को पेश करने में कामयाब रही है, लेकिन दोस्तों कुछ अनावश्यक और शीर्षक तत्वों से बचने के लिए अच्छा किया और सतर्क था जो कि इसके मूल को कमजोर करते प्रतीत होते हैं। तो पहले स्थान पर परिसर और सिनेमा एक्सप्रेस के नवीन दर्शन 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि नवोदित अभिनेता मनु आनंद ने इस तरह कोई दिलचस्प तत्व के साथ मानक को इतना उच्च स्थापित कर दिया था। जब असुविधाएं जबरन कॉमेडी और खामियों के रूप में आती है तो दोस्तों यह गलत लगभग आपराधिक लगता है। मुझे किसी फिल्म की विश्लेषण करने से नफरत होगी और मध्यमतर से पहले और बाद के हिस्से में, लेकिन FIR में अंतर इतना परेशान करने वाला है कि आप पहले हिस्से के अत्यधिक चुनौतीपूर्ण लेखन को बाद में देखने से सुकून से खुद को रोक नहीं सकते। हिंदुस्तान टाइम के हरिचरण बुद्धि पेटी ने लिखा कि फिल्म FIR को एक थ्रिलर के लिए कुछ एस्मास्ट अच्छी तरह से लिखे गए और ट्विस्ट है, जैसे जैसे ट्विस्ट अंत में खुद को सुलझाते हैं फिल्म अधिकांश संपूर्ण लगती है।
पिंकी बिल्ला की अब भावना शर्मा ने 5 में से 2.5 स्टार अंक दिए और लिखा कि कुल मिलाकर यह फिल्म इस सप्ताहांत में देखने लायक है। आपको दोस्तों तर्क और खोजना और पूछना बंद कर देना चाहिए और फिर खुद को कहानी में व्यक्त कर लेना चाहिए। फर्स्ट पोस्ट की आशा मेरा अध्यापन फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिया और कहा कि FIR का दिल सही जगह पर है और इसमें से सवाल पूछे गए हैं और अविश्वसनीय रूप से प्रसंगित है कि इरफान तभी जवाब कार्यवाही करना शुरू करता है जब उसे कोने में धकेल दिया जाता है और जब दोस्तों वह कहता है कि उसने भरोसा करना बंद कर दिया और सिस्टम और इसकी न्यायपालिका और भावनाएं घर कर जाती है। आखिरकार हम डायस्पोरियन और समय में रहते हैं जहां अल्पसंख्यक को लगातार न्याय के दरवाजे से दूर धकेल दिया जाता है, लेकिन दोस्तों अच्छे इरादे हमेशा अच्छे सिनेमा के लिए नहीं बनते हैं। फिल्म FIR की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने सबसे बड़ी ओपनिंग की और तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। फिल्म ने 24 करोड़ यानी 2023 में 25 करोड़ US 3.2 मिलियन के बराबर से अधिक की कमाई की और दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म की बात की जाए तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विष्णु विशाल जो कि अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। फिल्म की कहानी की ओर नज़र डालें तो दोस्तों चेन्नई के ट्रैलिकेन में रहने वाला IIT मद्रास के स्वर्ण पदक और विजेता इरफान अहमद अपने दोस्त और माँ प्रवीणा बेगम जो पुलिस उप निरीक्षक है और साथ रहते हैं वो अर्चना कृष्णा मूर्ति के साथ रिश्ते में है और जो PhD कर रही है दिल्ली में और एक जूनियर वकील प्रार्थना रमन से भी उसकी दोस्ती हो जाती है और एक परफ्यूम फैक्ट्री में अंशकालीन काम करते हुए इरफान असफल रूप से नौकरी के लिए साक्षात्कार में भाग लेते हैं और साक्षात्कारों के दौरान उनकी धार्मिक और मान्यताओं पर सवाल उठाए जाने से तंग आकर इरफान ने एक महत्वपूर्ण कालिक इत्र और व्यवसाय में शामिल होने का फैसला किया है जिसका नेतृत्व और पेरुमल और उनके बेटे कार्तिक के कर रहे हैं और वह रसायनों की खरीदारी के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं और हैदराबाद में वापस आते समय इरफान का सेलफोन खो गया है। इसी बात से निराश होकर उसकी चेन्नई की उड़ान छूट जाती है और इरफान ने गलती से हवाई अड्डे के अधिकारियों की धमकी दी और वह हैदराबाद बमबारी करेगा और जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी हुई और लेकिन वह रिहा हो गया और चेन्नई पहुंच गया। बाद में दोस्तों उसी हवाई अड्डे पर एक बम विस्फोट हुआ और जिसमें कई लोग मरे गए और अगले दिन इरफान का फोन बम विस्फोट स्थल पर पाया गया और इरफान को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने NIA सलाहकार अजय दीवान के आदेश के तहत रिहासत में लिया गया था।
उनसे NIM अधिकार और अनिशम कुरैशी और निम्न कुरैशी पुलिस अधिकारी गुन्ना शेखर द्वारा पूछताछ की गई है। माना जाता है कि इरफान मोस्ट वांटेड आतंकवादी जिसका नाम अब्बू और बकर अब्दुल्ला है और परिमाणस्वरूप उसे आतंकवादी करार दिया जाता है और मीडिया द्वारा उसे दृष्ट अवतार के रूप में चित्रित किया जाता है और पुलिस रिहासत में यतना से गुजरना पड़ता है। इरफान के लिए खेद और महसूस करते हुए प्रार्थना ने उसे प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया है और प्रवीणा बेगम को उससे मिलने के लिए लिया गया है। और हालांकि दोस्तों उन्होंने इरफान से मिलने से मना कर दिया है। धमाके मरीज होने के कारण प्रवीणा बेगम सार्वजनिक आयोजन के कारण हुए और अपमान के कारण एक हमले में बेहोश हो जाती है और पुलिस की कड़ी निगरानी में इरफान को अस्पताल में अपनी माँ से मिलने की अनुमति दी गई है। हालांकि दोस्तों यह पुलिस से हिरासत से भाग जाता है और पता की है कि प्रवीणा बेगम की मृत्यु हो गई है और जिससे इरफान तबाह हो गया और अस्पताल से भाग गया, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर जाजी के बेटे रियाज से होती है। तो इरफान से सारे कैश बनाने के लिए मानता है और प्रेरित करता है आतंकी हमला। इरफान ऐसा करता है जिसका अंत डॉक्टर जाजी पर परीक्षण। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे तमिल भाषा में बने एक और सुपरहिट फिल्म को। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे तमिल भाषा में बनी फिल्म, जिस फिल्म का नाम है दोस्तों प्राथमिकी, जिसे इंग्लिश में FIR के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे हम आज आपको बतला दें कि मात्र मूवी रिव्यू और मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ मूवी की सुपरस्टार और मूवी की डायरेक्टर को भी जानकारी दोस्तों हमारे इस वीडियो में बताया जाता है। दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म जो कि दोस्तों बात की जाए, यह एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है। फिल्म को FIR जिसे हिंदी में प्राथमिकी के नाम से भी है और यह फिल्म की तमिल भाषा के साथ बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर मनु आनंद द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म है और यह एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे दोस्तों मनु आनंद ने अपने निर्देशक में लिखा और निर्देशित किया था और BVS स्टूडियोज के बैनर तले विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्या रमेश द्वारा निर्मित है। फिल्म में विष्णु विशाल, गौतम वासुदेव मेनन और मंजिमा मोहन, रेबा मोनिका जान और राजा बिलनसन और गौरव नारायण हैं। यह फिल्म के संगीत आवश्यक द्वारा रचित है और प्रसन्न जी के द्वारा संपादन किया गया है। यह फिल्म 11 फरवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और जहां इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। और दोस्तों बता दें, यह एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विष्णु विशाल और गौतम वासु मेनन, रेबो मोनिका जान और मंजिमा मोहन, राजा बिल्सन जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे।
फिल्म की कहानी मन्नू आनंद द्वारा रचित है, जबकि दोस्तों फिल्म की लिखित मन्नू आनंद और दिव्यांका आनंद शंकर, गौतम शंकर और कौनतम द्वारा रचित है। फिल्म की संपादित यानी प्रसन्ना जी के द्वारा संपादित किया गया था और संगीत दिया है अवसथ द्वारा संगीत वृद्ध किया गया था। यह फिल्म को बीबी स्टूडियोज द्वारा उत्पादित किया गया था और रेड जाइंट मूवीज द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म की रिलीज की तारीख 11 फरवरी 2022 को रिलीज हुई थी, जबकि दोस्तों इस फिल्म को रिलीज भारत में रिलीज किया गया था और यह फिल्म का रन टाइम 1 से 55 मिनट के साथ इस फिल्म को तमिल भाषा के साथ बनाई गई थी। और दोस्तों यह फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तमिल भाषा के साथ बनी थी। दोस्तों बात कर ले फिल्म FIR जो कि इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो इस फिल्म को अनुमति यानी बॉक्स ऑफिस 24 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों फिल्म में विष्णु बेसाल, इरफान अहमद, फैजल इब्राहिम राय और FIR एक केमिकल इंजीनियर का रोल निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों गौतम वासु मेनन अजय दीवान के रूप में हैं और प्रार्थना रमन के रूप में मंजिमा मोहन हैं, जबकि वैसे ही अनिशा कुरैशी के रूप में राजा विल्सन अपना रोल निभा रही है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2019 में शुरू हुई थी और इसी की शूटिंग दिसंबर 2019 में शुरू हुई और शूटिंग फरवरी 2021 तक हो गई थी। फिर दोस्तों प्रोडक्शन में चली गई और इसे मलेशिया, कतर और कुवैत में प्रतिबंध कर दिया गया था। फिल्म के गाने अवशक द्वारा रचित है और फिल्म का संगीत लेबल बीबी स्टूडियोज और डिब्बो म्यूजिक द्वारा अधिग्रहित किया गया था। फिल्म की बात की जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सगुत्था ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि शुक्र है कि तेजी से संपादन और जीके प्रसन्न और संपादित पृष्ठभूमि स्कोर और अवसर्थक द्वारा यह सुनिश्चित करता है। फिल्म एक खतरनाक गति से आगे बढ़ती है और हमें रोकने में कामयाब होती है। तर्क के बारे में सोचने से और फिल्म को हमें बांधे रखने में मदद करने से इंडिया लिटर्स ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार यानी रेटिंग दी और कहा कि कुछ दिलचस्प और मोड़ों के साथ इस एक्शन से भरपूर थ्रिलर को चुने और द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि एक FIR में कमल हसन की विश्वास रूपम की परिपक्वता का अभाव है। इस्लामोफीबिया को ठीक से संपादित करने में बारीकियों की कमी और विभिन्न समुदायों में व्यक्त और गलत फहमी की तीव्र दुर्विकारण को पीछे की रणनीति को कहानी की सुविधा के लिए फिल्म से बाहर रखा गया है। बिहाइंड बोर्ड ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि विष्णु विशाल का अभिनय, ठोस लेखन, FIR को एक मनोरंजक और आकर्षक घड़ी बनाता है। द हिंदू के श्रीनिवास ने रामानुजम ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद लिखा कि थ्रिलर होने के बावजूद FIR कुछ शक्तिशाली क्षणों को पेश करने में कामयाब रही है, लेकिन दोस्तों कुछ अनावश्यक और शीर्षक तत्वों से बचने के लिए अच्छा किया और सतर्क था जो कि इसके मूल को कमजोर करते प्रतीत होते हैं। तो पहले स्थान पर परिसर और सिनेमा एक्सप्रेस के नवीन दर्शन 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि नवोदित अभिनेता
मनु आनंद ने इस तरह कोई दिलचस्प तत्व के साथ मानक को इतना ऊंचा स्थापित कर दिया था। जब आशु विद्याएं जबरन कमेरी और खामियों के रूप में आती है तो दोस्तों यह गलत लगभग आपराधिक लगता है। मुझे किसी फिल्म की विश्लेषण करने से नफरत होगी और मध्यमतर से पहले और बाद के हिस्से में, लेकिन FIR में अंतर इतना परेशान करने वाला है कि आप पहले हिस्से के अत्यधिक चुनौतीपूर्ण लेखन को बाद में देखने से सुकून से खुद को रोक नहीं सकते। हिंदुस्तान टाइम के हरिचरण पुद्दीपेट्टी ने लिखा कि फिल्म FIR को एक थ्रिलर के लिए कुछ एस्मास्ट अच्छी तरह से लिखे गए और ट्विस्ट है। जैसे जैसे ट्विस्ट अंत में खुद को सुलझाते हैं, फिल्म अधिकांश संपूर्ण लगती है। पिंकी बिल्ला की अब भावना शर्मा ने 5 में से 2.5 स्टार अंक दिए और लिखा कि कुल मिलाकर यह फिल्म इस सप्ताहांत में देखने लायक है। आपको दोस्तों तर्क और खोजना और पूछना बंद कर देना चाहिए और फिर खुद को कहानी में व्यक्त कर लेना चाहिए। फर्स्ट पोस्ट की आशा मेरा अध्यापन फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिया और कहा कि FIR का दिल सही जगह पर है और इसमें से सवाल पूछे गए हैं और अविश्वसनीय रूप से प्रसंगिक है कि इरफान तभी जवाब कार्यवाही करना शुरू करता है जब उसे कोने में धकेल दिया जाता है और जब दोस्तों वह कहता है कि उसने भरोसा करना बंद कर दिया और सिस्टम और इसकी न्यायपालिका और भावनाएं घर कर जाती है। आखिरकार हम डेस्पोटियन और समय में रहते हैं जहां अल्पसंख्यक को लगातार न्याय के दरवाजे से दूर धकेल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अच्छे इरादे हमेशा अच्छे सिनेमा के लिए नहीं बनते हैं। फिल्म FIR की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने सबसे बड़ी ओपनिंग की और तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। फिल्म ने 24 करोड़ यानी 2023 में 25 करोड़ US 3.2 मिलियन के बराबर से अधिक की कमाई की और दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म की बात की जाए तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विष्णु विशाल जो कि अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। फिल्म की कहानी की ओर नज़र डालें तो दोस्तों चेन्नई के ट्रैलिकेन में रहने वाला IIT मद्रास के स्वर्ण पदक और विजेता इरफान अहमद अपने दोस्त और माँ प्रवीणा बेगम जो पुलिस उप निरीक्षक है और साथ रहते हैं। वो अर्चना कृष्णा मूर्ति के साथ रिश्ते में हैं और जो PhD कर रही है दिल्ली में और एक जूनियर वकील प्रार्थना रमन से भी उसकी दोस्ती हो जाती है और एक परफ्यूम फैक्ट्री में अंशकालीन काम करते हुए इरफान असफल रूप से नौकरी के लिए साक्षात्कार में भाग लेते हैं और साक्षात्कारों के दौरान उनकी धार्मिक और मान्यताओं पर सवाल उठाए जाने से तंग आकर इरफान ने एक महत्वपूर्ण कालिक इत्र और व्यवसाय में शामिल होने का फैसला किया है जिसका नेतृत्व और पेरुमल और उनके बेटे कार्तिक के
कर रहे हैं और वह रसायनों की खरीदारी के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं और हैदराबाद में वापस आते समय इरफान का सेलफोन खो गया है। इसी बात से निराश होकर उसकी चेन्नई की उड़ान छूट जाती है और इरफान ने गलती से हवाई अड्डे के अधिकारियों की धमकी दी और वह हैदराबाद बमबारी करेगा और जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी हुई और लेकिन वह रिहा हो गया और चेन्नई पहुंच गया। बाद में दोस्तों उसी हवाई अड्डे पर एक बम विस्फोट हुआ और जिसमें कई लोग मरे गए और अगले दिन इरफान का फोन बम विस्फोट स्थल पर पाया गया और इरफान को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे तमिल भाषा में बने एक और सुपरहिट फिल्म को। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे तमिल भाषा में बनी फिल्म, जिस फिल्म का नाम है दोस्तों प्राथमिकी, जिसे इंग्लिश में FIR के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे हम आज आपको बता दें कि मात्र मूवी रिव्यू और मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ मूवी की सुपरस्टार और मूवी की डायरेक्टर को भी जानकारी दोस्तों हमारे इस वीडियो में बताया जाता है। दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म जो कि दोस्तों बात की जाए, यह एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है। फिल्म को FIR जिसे हिंदी में प्राथमिकी के नाम से भी है और यह फिल्म की तमिल भाषा के साथ बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर मनु आनंद द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म है और यह एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे दोस्तों मनु आनंद ने अपने निर्देशक में लिखा और निर्देशित किया था और BVS स्टूडियोज के बैनर तले विष्णु विशाल शुभ्रा और आर्य रमेश द्वारा निर्मित है। फिल्म में विष्णु विशाल, गौतम वासुदेव मेनन और मंजिमा मोहन, रेबा मोनिका जान और राजा बिलनसन और गौरव नारायण हैं। यह फिल्म के संगीत आवश्यक द्वारा रचित है और प्रसन्न जी के द्वारा संपादन किया गया है। यह फिल्म 11 फरवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। और दोस्तों बता दें, यह एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विष्णु विशाल और गौतम वासु मेनन, रेबो मोनिका जान और मंजिमा मोहन, राजा विल्सन जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। फिल्म की कहानी मन्नू आनंद द्वारा रचित है, जबकि दोस्तों फिल्म की लिखित मन्नू आनंद और दिव्यांका आनंद शंकर, गौतम शंकर और कौनतम द्वारा रचित है। फिल्म की संपादित यानी प्रसन्ना जी के द्वारा संपादित किया गया था और संगीत दिया है अवस्थ द्वारा संगीत वृद्ध किया गया था। यह फिल्म को बीबी स्टूडियोज द्वारा उत्पादित किया गया था और रेड जाइंट मूवीज द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म की रिलीज की तारीख 11 फरवरी 2022 को रिलीज हुई थी, जबकि दोस्तों इस फिल्म को रिलीज भारत में रिलीज किया गया था और यह फिल्म का रनर टाइम 1 से 55 मिनट के साथ इस फिल्म को तमिल भाषा के साथ बनाई गई थी। और दोस्तों यह फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तमिल भाषा के साथ बनी थी। दोस्तों बात कर ले फिल्म FIR जो कि इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो इस फिल्म को अनुमति यानी बॉक्स ऑफिस 24 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों फिल्म में विष्णु विशाल, इरफान अहमद, फैजल इब्राहिम राय और FIR एक केमिकल इंजीनियर
का रोल निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों गौतम वासु मेनन अजय दीवान के रूप में हैं और प्रार्थना रमन के रूप में मंजिमा मोहन हैं, जबकि वैसे ही अनिशा कुरैशी के रूप में राजा विल्सन अपना रोल निभा रही है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2019 में शुरू हुई थी और इसी की शूटिंग दिसंबर 2019 में शुरू हुई और शूटिंग फरवरी 2021 तक हो गई थी। फिर दोस्तों प्रोडक्शन में चली गई और इसे मलेशिया, कतर और कुवैत में प्रतिबंध कर दिया गया था। फिल्म के गाने अवशक द्वारा रचित है और फिल्म का संगीत लेवल बीबी स्टूडियोज और डिब्बो म्यूजिक द्वारा अधिग्रहित किया गया था। फिल्म की बात की जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एम संगुत्था ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि शुक्र है कि तेजी से संपादन और जीके प्रसन्न और संपादित पृष्ठभूमि स्कोर और आवश्यक द्वारा यह सुनिश्चित करता है। फिल्म एक खतरनाक गति से आगे बढ़ती है और हमें रोकने में कामयाब होती है। तर्क के बारे में सोचने से और फिल्म को हमें बांधे रखने में मदद करने से इंडिया लिटर्स ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार यानी रेटिंग दी और कहा कि कुछ दिलचस्प और मोड़ों के साथ इस एक्शन से भरपूर थ्रिलर को चुने और द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि एक FIR में कमल हसन की विश्वास रूपम की परिपक्वता का अभाव है। इस्लामोफीबिया को ठीक से संपादित करने में बारीकियों की कमी और विभिन्न समुदायों में व्यक्त और गलत फहमी की तीव्र दुर्वीकरण को पीछे की रणनीति को कहानी की सुविधा के लिए फिल्म से बाहर रखा गया है। बिहाइंड बोर्ड ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि विष्णु विशाल का अभिनय ठोस लेखन FIR को एक मनोरंजक और आकर्षक घड़ी बनाता है। द हिंदू के श्रीनिवास ने रामानुजम ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद लिखा कि थ्रिलर होने के बावजूद FIR कुछ शक्तिशाली क्षणों को पेश करने में कामयाब रही है, लेकिन दोस्तों कुछ अनावश्यक और शीर्षक तत्वों से बचने के लिए अच्छा किया और सतर्क था जो कि इसके मूल को कमजोर करते प्रतीत होते हैं। तो पहले स्थान पर परिसर और सिनेमा एक्सप्रेस के नवीन दर्शन 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि नवोदित अभिनेता मनु आनंद ने इस तरह कोई दिलचस्प तत्व के साथ मानक को इतना उच्च स्थापित कर दिया था। जब असुविधाएं जबरन कॉमेडी और खामियों के रूप में आती है तो दोस्तों यह गलत लगभग आपराधिक लगता है। मुझे किसी फिल्म की विश्लेषण करने से नफरत होगी और मध्यमतर से पहले और बाद के हिस्से में, लेकिन FIR में अंतर इतना परेशान करने वाला है कि आप पहले हिस्से के अत्यधिक चुनौतीपूर्ण लेखन को बाद में देखने से सुकून से खुद को रोक नहीं सकते। हिंदुस्तान टाइम के हरिचरण बुद्धि पेटी ने लिखा कि फिल्म FIR को एक थ्रिलर के लिए कुछ एस्मास्ट अच्छी तरह से लिखे गए और ट्विस्ट है, जैसे जैसे ट्विस्ट अंत में खुद को
सुलझाते हैं। फिल्म अधिकांश संपूर्ण लगती है। पिंकी बिल्ला की अब भावना शर्मा ने 5 में से 2.5 स्टार अंक दिए और लिखा कि कुल मिलाकर यह फिल्म इस सप्ताहांत में देखने लायक है। आपको दोस्तों तर्क और खोजना और पूछना बंद कर देना चाहिए और फिर खुद को कहानी में व्यक्त कर लेना चाहिए। फर्स्ट पोस्ट की आशा मेरा अध्यापन फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिया और कहा कि FIR का दिल सही जगह पर है और इसमें से सवाल पूछे गए हैं और अविश्वसनीय रूप से प्रसंगित है कि इरफान तभी जवाब कार्यवाही करना शुरू करता है जब उसे कोने में धकेल दिया जाता है और जब दोस्तों वह कहता है कि उसने भरोसा करना बंद कर दिया और सिस्टम और इसकी न्यायपालिका और भावनाएं घर कर जाती है। आखिरकार हम डायस्पोरियन और समय में रहते हैं जहां अल्पसंख्यक को लगातार न्याय के दरवाजे से दूर धकेल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अच्छे इरादे हमेशा अच्छे सिनेमा के लिए नहीं बनते हैं। फिल्म FIR की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने सबसे बड़ी ओपनिंग की और तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। फिल्म ने 24 करोड़ यानी 2023 में 25 करोड़ यूएस 3.2 मिलियन के बराबर से अधिक की कमाई की और दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म की बात की जाए तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विष्णु विशाल जो कि अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। फिल्म की कहानी की ओर नज़र डालें तो दोस्तों चेन्नई के ट्रैलिकेन में रहने वाला IIT मद्रास के स्वर्ण पदक और विजेता इरफान अहमद अपने दोस्त और माँ प्रवीणा बेगम जो पुलिस उप निरीक्षक है और साथ रहते हैं वो अर्चना कृष्णा मूर्ति के साथ रिश्ते में हैं और जो PhD कर रही है दिल्ली में और एक जूनियर वकील प्रार्थना रमन से भी उसकी दोस्ती हो जाती है और एक परफ्यूम फैक्ट्री में अंशकालीन काम करते हुए इरफान असफल रूप से नौकरी के लिए साक्षात्कार में भाग लेते हैं और साक्षात्कारों के दौरान उनकी धार्मिक और मान्यताओं पर सवाल उठाए जाने से तंग आकर इरफान ने एक महत्वपूर्ण कालिक इत्र और व्यवसाय में शामिल होने का फैसला किया है जिसका नेतृत्व और पेरुमल और उनके बेटे कार्तिकेय कर रहे हैं और वह रसायनों की खरीदारी के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं और हैदराबाद में वापस आते समय इरफान का सेलफोन खो गया है। इसी बात से निराश होकर उसकी चेन्नई की उड़ान छूट जाती है और इरफान ने गलती से हवाई अड्डे के अधिकारियों की धमकी दी और वह हैदराबाद बमबारी करेगा और जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी हुई और लेकिन वह रिहा हो गया और चेन्नई पहुंच गया। बाद में दोस्तों उसी हवाई अड्डे पर एक बम विस्फोट हुआ और जिसमें कई लोग मरे गए और अगले दिन इरफान का फोन बम विस्फोट स्थल पर पाया गया और इरफान को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने NIA सलाहकार अजय दीवान के आदेश के तहत रिहासत में लिया गया था।
उनसे NIM अधिकार और अनिशम कुरैशी और निम्न कुरैशी पुलिस अधिकारी गुन्ना शेखर द्वारा पूछताछ की गई है। माना जाता है कि इरफान मोस्ट वांटेड आतंकवादी जिसका नाम अब्बू और बकर अब्दुल्ला है और परिमाणस्वरूप उसे आतंकवादी करार दिया जाता है और मीडिया द्वारा उसे दृष्ट अवतार के रूप में चित्रित किया जाता है और पुलिस रिहासत में यातना से गुजरना पड़ता है। इरफान के लिए खेद और महसूस करते हुए प्रार्थना ने उसे प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया है और प्रवीणा बेगम को उससे मिलने के लिए लिया गया है। और हालांकि दोस्तों उन्होंने इरफान से मिलने से मना कर दिया है। धमाके मरीज होने के कारण प्रवीणा बेगम सार्वजनिक आयोजन के कारण हुए और अपमान के कारण एक हमले में बेहोश हो जाती है और पुलिस की कड़ी निगरानी में इरफान को अस्पताल में अपनी माँ से मिलने की अनुमति दी गई है। हालांकि दोस्तों यह पुलिस से हिरासत से भाग जाता है और पता की है कि प्रवीणा बेगम की मृत्यु हो गई है और जिससे इरफान तबाह हो गया और अस्पताल से भाग गया, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर जाजी के बेटे रियाज से होती है। तो इरफान से सारे कैश बनाने के लिए मानता है और प्रेरित करता है आतंकी हमला। इरफान ऐसा करता है जिसका अंत डॉक्टर जाजी पर परीक्षण किया जाता है। जब वह कारखाने का दौर करता है और वह देखकर चौंक जाता है कि क्या हो रहा था। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे तमिल भाषा में बने एक और सुपरहिट फिल्म को। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे तमिल भाषा में बनी फिल्म, जिस फिल्म का नाम है दोस्तों प्राथमिकी, जिसे इंग्लिश में FIR के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे हम आज आपको बता दें कि मात्र मूवी रिव्यू और मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ मूवी की सुपरस्टार और मूवी की डायरेक्टर को भी जानकारी दोस्तों हमारे इस वीडियो में बताया जाता है। दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म जो कि दोस्तों बात की जाए, यह एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है। फिल्म को FIR जिसे हिंदी में प्राथमिकी के नाम से भी है और यह फिल्म की तमिल भाषा के साथ बनाई गई थी। फिल्म का डायरेक्टर मनु आनंद द्वारा डायरेक्टर में बनी फिल्म है और यह एक 2022 की भारतीय तमिल भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे दोस्तों मनु आनंद ने अपने निर्देशक में लिखा और निर्देशित किया था और BVS स्टूडियोज के बैनर तले विष्णु विशाल सुभ्रा और आर्य रमेश द्वारा निर्मित है। फिल्म में विष्णु विशाल, गौतम वासुदेव मेनन और मंजिमा मोहन, रेब्बा मोनिका जान और राजा बिलनसन और गौरव नारायण हैं। यह फिल्म के संगीत आवश्यक द्वारा रचित है और प्रसन्न जी के द्वारा संपादन किया गया है। यह फिल्म 11 फरवरी 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और जहां इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। और दोस्तों बता दें, यह एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता बन गई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विष्णु विशाल और
गौतम वासु मेनन, रेबो मोनिका जान और मंजिमा मोहन, रायजा विल्सन जैसे और बड़े स्टार आपको दोस्तों इस फिल्म में देखने को नजर आएंगे। फिल्म की कहानी मन्नू आनंद द्वारा रचित है, जबकि दोस्तों फिल्म की लिखित मन्नू आनंद और दिव्यांका आनंद शंकर, गौतम शंकर और कौनतम द्वारा रचित है। फिल्म की संपादित यानी प्रसन्ना जी के द्वारा संपादित किया गया था और संगीत दिया है अवसत द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। यह फिल्म को बीबी स्टूडियोज द्वारा उत्पादित किया गया था और रेड जाइंट मूवीज द्वारा वितरित किया गया था। फिल्म की रिलीज की तारीख 11 फरवरी 2022 को रिलीज हुई थी, जबकि दोस्तों इस फिल्म को रिलीज भारत में रिलीज किया गया था और यह फिल्म का रन टाइम 1 से 55 मिनट के साथ इस फिल्म को तमिल भाषा के साथ बनाई गई थी। और दोस्तों यह फिल्म को भारत में रिलीज किया गया था और तमिल भाषा के साथ बनी थी। दोस्तों बात कर ले फिल्म FIR जो कि इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो यह फिल्म को अनुमति यानी बॉक्स ऑफिस 24 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों फिल्म में विष्णु बेसाल, इरफान अहमद, फैजल इब्राहिम राय और FIR एक केमिकल इंजीनियर का रोल निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों गौतम वासु मेनन अजय दीवान के रूप में हैं और प्रार्थना रमन के रूप में मंजिमा मोहन हैं, जबकि वैसे ही अनिशा कुरैशी के रूप में राजा विल्सन अपना रोल निभा रही है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2019 में शुरू हुई थी और इसी की शूटिंग दिसंबर 2019 में शुरू हुई और शूटिंग फरवरी 2021 तक हो गई थी। फिर दोस्तों प्रोडक्शन में चली गई और इसे मलेशिया, कतर और कुवैत में प्रतिबंध कर दिया गया था। फिल्म के गाने अशोक द्वारा रचित है और फिल्म का संगीत लेबल बीबी स्टूडियोज और डिब्बो म्यूजिक द्वारा अधिग्रहित किया गया था। फिल्म की बात की जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एम सगुत्थाम ने 5 में से 3 स्टार दिए और लिखा कि शुक्र है कि तेजी से संपादन और जीके प्रसन्न और संपादित पृष्ठभूमि स्कोर और आवश्यक द्वारा यह सुनिश्चित करता है। फिल्म एक खतरनाक गति से आगे बढ़ती है और हमें रोकने में कामयाब होती है। तर्क के बारे में सोचने से और फिल्म को हमें बांधे रखने में मदद करने से इंडिया लिटर्स ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार यानी रेटिंग दी और कहा कि कुछ दिलचस्प और मोड़ों के साथ इस एक्शन से भरपूर थ्रिलर को चुने और द इंडियन एक्सप्रेस के मनोज कुमार आर ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा कि एक FIR में कमल हसन की विश्वास रूपम की परिपक्वता का अभाव है। इस्लामोफीबिया को ठीक से संपादित करने में बारीकियों की कमी और विभिन्न समुदायों में व्यक्त और गलत फहमी की तीव्र दुर्विकारण को पीछे की रणनीति को कहानी की सुविधा के लिए फिल्म से बाहर रखा गया है। बिहाइंड बोर्ड ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि विष्णु विशाल का अभिनय, ठोस लेखन FIR को एक मनोरंजक और आकर्षक घड़ी बनाता है। द हिंदू के श्रीनिवास ने रामानुजम ने फिल्म की समीक्षा करने के बाद लिखा कि थ्रिलर होने के बावजूद FIR कुछ शक्तिशाली क्षणों को पेश करने में कामयाब रही है, लेकिन दोस्तों कुछ अनावश्यक और शीर्षक तत्वों से बचने के लिए अच्छा किया और
सतर्क था जो कि इसके मूल को कमजोर करते प्रतीत होते हैं। तो पहले स्थान पर परिसर और सिनेमा एक्सप्रेस के नवीन दर्शन 5 में से 3.5 स्टार दिया और लिखा कि नवोदित अभिनेता मनु आनंद ने इस तरह कोई दिलचस्प तत्व के साथ मानक को इतना ऊंचा स्थापित कर दिया था। जब आंसू विधाए जबरन कॉमेडी और खामियों के रूप में आती है तो दोस्तों यह गलत लगभग आपराधिक लगता है। मुझे किसी फिल्म की विश्लेषण करने से नफरत होगी और मध्यांतर से पहले और बाद के हिस्से में, लेकिन FIR में अंतर इतना परेशान करने वाला है कि आप पहले हिस्से के अत्यधिक चुनौतीपूर्ण लेखन को बाद में देखने से सुकून से खुद को रोक नहीं सकते। हिंदुस्तान टाइम के हरिचरण पुद्दीपेट्टी ने लिखा कि फिल्म FIR को एक थ्रिलर के लिए कुछ एस्मास्ट अच्छी तरह से लिखे गए और ट्विस्ट है। जैसे जैसे ट्विस्ट अंत में खुद को सुलझाते हैं फिल्म अधिकांश संपूर्ण लगती है। पिंकी बिल्ला की भावना शर्मा ने 5 में से 2.5 स्टार अंक दिए और लिखा कि कुल मिलाकर यह फिल्म इस सप्ताहांत में देखने लायक है। आपको दोस्तों तर्क खोजना और पूछना बंद कर देना चाहिए और फिर खुद को कहानी में व्यक्त कर लेना चाहिए। फर्स्ट पोस्ट की ऐसा मेरा अध्यापन फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिया और कहा कि FIR का दिल सही जगह पर है और इसमें से सवाल पूछे गए हैं और अविश्वसनीय रूप से प्रसंगित है कि इरफान तभी जवाब कार्यवाही करना शुरू करता है जब उसे कोने में धकेल दिया जाता है और जब दोस्तों वह कहता है कि उसने भरोसा करना बंद कर दिया और सिस्टम और इसकी न्यायपालिका और भावनाएं घर कर जाती है। आखिरकार हम डायस्पोरियन और समय में रहते हैं जहां अल्पसंख्यक को लगातार न्याय के दरवाजे से दूर धकेल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अच्छे इरादे हमेशा अच्छे सिनेमा के लिए नहीं बनते हैं। फिल्म FIR की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने सबसे बड़ी ओपनिंग की और तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। फिल्म ने 24 करोड़ यानी 2023 में 25 करोड़ US 3.2 मिलियन से 3.2 मिलियन के बराबर से अधिक की कमाई की और दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई है। फिल्म की बात की जाए तो यह फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता विष्णु विशाल जो कि अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। फिल्म की कहानी की ओर नज़र डालें तो दोस्तों चेन्नई के ट्रैलिकेन में रहने वाला IIT मद्रास के स्वर्ण पदक और विजेता इरफान अहमद अपने दोस्त और माँ प्रवीणा बेगम जो पुलिस उप निरीक्षक है और साथ रहते हैं वो अर्चना कृष्णा मूर्ति के साथ रिश्ते में हैं और जो PhD कर रही है दिल्ली में और एक जूनियर वकील प्रार्थना रमन से भी उसकी दोस्ती हो जाती है और एक परफ्यूम फैक्ट्री में अंशकालीन काम करते हुए इरफान असफल रूप से नौकरी के लिए साक्षात्कार में भाग लेते हैं और साक्षात्कारों के दौरान उनकी धार्मिक और मान्यताओं पर सवाल उठाए जाने से तंग आकर इरफान ने एक महत्वपूर्ण कालिक
इत्र और व्यवसाय में शामिल होने का फैसला किया है, जिसका नेतृत्व और पेरुमल और उनके बेटे कार्तिकेय कर रहे हैं, और वह रसायनों की खरीदारी के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं और हैदराबाद में वापस आते समय इरफान का सेलफोन खो गया है। इसी बात से निराश होकर उसकी चेन्नई की उड़ान छूट जाती है और इरफान ने गलती से हवाई अड्डे के अधिकारियों की धमकी दी और वह हैदराबाद बमबारी करेगा, और जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी हुई, और लेकिन वह रिहा हो गया और चेन्नई पहुंच गया। बाद में दोस्तों उसी हवाई अड्डे पर एक बम विस्फोट हुआ और जिसमें कई लोग मरे गए, और अगले दिन इरफान का फोन बम विस्फोट स्थल पर पाया गया और इरफान को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने एनआईए सलाहकार अजय दीवान के आदेश के तहत रिहासत में लिया गया था। उनसे एनआईएम अधिकार और अनिशाम कुरैशी और निम्न कुरैशी पुलिस अधिकारी गुन्नाशेखर द्वारा पूछताछ की गई है। माना जाता है कि इरफान मोस्ट वांटेड आतंकवादी, जिसका नाम अब्बू और बकर अब्दुल्ला है, और परिमाणु रूप उसे आतंकवादी करार दिया जाता है, और मीडिया द्वारा उसे दृष्ट अवतार के रूप में चित्रित किया जाता है, और पुलिस रिहासत में यतना से गुजरना पड़ता है। इरफान के लिए खेद और महसूस करते हुए प्रार्थना ने उसे प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया है, और प्रवीणा बेगम को उससे मिलने के लिए लिया गया है। और हालांकि दोस्तों उन्होंने इरफान से मिलने से मना कर दिया है। धमाके मरीज होने के कारण प्रवीणा बेगम सार्वजनिक आयोजन के कारण हुए और अपमान के कारण एक हमले में बेहोश हो जाती है, और पुलिस की कड़ी निगरानी में इरफान को अस्पताल में अपनी माँ से मिलने की अनुमति दी गई है। हालांकि दोस्तों यह पुलिस से हिरासत से भाग जाता है और पता की है कि प्रवीणा बेगम की मृत्यु हो गई है, और जिससे इरफान तबाह हो गया और अस्पताल से भाग गया, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर जाजी के बेटे रियाज से होती है। तो इरफान से सारे कैश बनाने के लिए मानता है और प्रेरित करता है आतंकी हमला। इरफान ऐसा करता है जिसका अंत डॉक्टर जाजी पर परीक्षण किया जाता है। जब वह कारखाने का दौर करता है और वह देखकर चौंक जाता है कि क्या हो रहा था।